हेलो फ्रेंड, आज हम दही वाले अंडे कढ़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने अंडे और आलू को बॉईल कर लिया, बीच से इस तरीके से कट लगा लिया अंडे को, ताकि हम जब तले तो फटे ना। तो हम अंडे को इस तरह से तल लेंगे हल्के ब्राउन होने तक। हल्का ब्राउन होने के बाद मैंने अंडे निकाल ली। अंडे की वजह से ये तेल में झाग आ गया है, तो मैं इसी तेल में आलू को भी हल्का हल्का तल लूँगी। तलने के बाद मैं मसाला रेडी करूंगी। मसाले के लिए मैंने एक छोटी प्याज ली हूँ, थोड़ी अदरक और 4-5 लहसुन की कलियाँ। इसमें मैंने जीरा ऐड किया है, थोड़ा आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच राई ली है। आप चाहे तो 2-4 काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे पीस लूँगी पानी डाल के। ये मेरी मसाला तैयार हो गई है। मैंने एक प्याज पीसा, हरी मिर्च पीसी है, खड़े मसाले, एक कटोरी दही और टमाटर का पेस्ट है। तो फिर हम शुरू करते हैं बनाना। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, 2 तेज़पत्ता गिरा है, खड़े मसाले डाले हैं। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का जो मसाला तैयार किया था मैंने वो डाल देते हैं। फिर अब इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। तीखे आप अपने अनुसार रख सकते हैं, क्योंकि हम हरी मिर्च यूज करते हैं। फिर मैंने धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर और देगी मिर्च। फिर इसे भी 5 मिनट के लिए भून लिया। भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा और डाल दिया ऊपर से, मुझे कम लगे मसाले तो मैंने डाल दिए। फिर मैंने प्याज ऐड करा है, पिसी हुई प्याज। इसे भी 5-10 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है, 2 टमाटर लिया था मैंने। इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है। उसके बाद मैंने दही ऐड कर दिया। दही डालने के बाद इसे अच्छे तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद मैंने तले हुए आलू ऐड कर दिए। फिर इसे भी अच्छे से 5-10 मिनट के लिए भून लिया। अब मैंने पानी ऐड किया इस पर, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उस अनुसार से मैंने पानी डाला। 5-10 मिनट इसमें उबाल आएगा। अब मैं अंडे भी डाल दूँगी इसमें, अंडे भी साथ में उबल जाएंगे। ये देखिए उबल जाएगी। अब मैं ढक के पका रही हूँ, उबल गई है। हमारी अंडे कढ़ी रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।